शहर में बढ़ते भूमाफिया के बीच अब वर्तमान में मनीष अमरचंद मेहता नामक व्यक्ति शरलिंग फाइन काम अश्वामी सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस तरह की कंपनी खोल जमीन हथियाने का काम करी है। ऐसे मुद्दों के विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से सनातन सेना महाराष्ट्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहाँ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उसमें मुख्य भूमिका पुलिस के सहयोग की रही है। अभी हाल ही में कामटी रोड मोचा वांजरा खसरा नंबर 7-12-4 इस जमीन का सौदा खेत मालक दयाराम सारवे इनसे नशीमन गृह निर्माण सहकारी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल इन्होंने कर जमीन अपने कब्जे में ले ली है। कुछ सालों बाद जमीन विक्रेता दयाराम सारवे पुनर् वही जमीन किसी और को बेचने के सौदा करा है। ये जानकारी मिलते ही इस पर न्यायालय से नशीमन गृह निर्माण संस्था ने स्टे ऑर्डर ले लिया कि जमीन का सौदा उनसे हुआ है और जमीन उनके कब्जे में है। उसके बावजूद खेत मालिक से मनीष अमरचंद मेहता, जो पेशे से जमीन खरीद फरोख्त का काम करता है, इन्होंने गलत तरह से इस जमीन का सौदा कर न्यायालय स्टे होने के बावजूद उस पर कब्जा करने का प्रयास करे है। इसकी शिकायत पहले से जमीन पर कानूनी कब्जेदार मोहम्मद इस्माइल इन्होंने संबंधित पुलिस थाना कपिल नगर को की गई, लेकिन पुलिस मदद करने के बजाय धमकारी है। इस मामले में न्याय मांगते हुए सनातन सेना महाराष्ट्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से नया की मांग की है, अनिता उग्र आंदोलन का इशारा दिया है। सौदा करने के बाद में इनका वहाँ पे कब्जा था, कंपाउंड वाल थी, सारी चीजें थी, लेकिन वो जो खेत मालिक था उसने 8-10 साल जाने के बाद में ये सोचा कि अब तो सारा जमीन का वैल्यूएशन बन गया है, इनके साथ में डेवलपमेंट का एग्रीमेंट कर दिया, पावर ऑफ एग्रीमेंट, अब इनका कब्जा है सारी चीज़ें। लेकिन उसी दौरान में एक मेहता करके एक सज्जन है, मनीष अमरचंद मेहता, ये व्यक्ति हैबिचुअल है ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए। कई ज़मीनों पर इसने कब्जा किया, कई FIR इसके ऊपर 420 के हुए, जेल गया इसने, इसके ऊपर में उस खेत मालिक से सौदा करके रजिस्ट्री भी मार लिया। जब इनको मालूम पड़ा इसी तरीके से, इन्हें जाके कोर्ट से स्टे ला लिया कि भैया जमीन मेरे मालिकी की है, इससे मैंने 10-15 साल पहले खरीदा हुआ है, ये जो एग्रीमेंट, ये जो आपने रजिस्ट्री किया है, फ्रॉड है, बोगस है। पुलिस थाने में इन्होंने शिकायत किया कि सबसे पहले वो खेत मालिक पे कार्रवाई करो 420 की, और ये जिसने रजिस्ट्री किया, बोगस करवाया, इस पर कार्रवाई करो। पुलिस ने कुछ नहीं किया। जो पुलिस स्टेशन आता है, क्या नाम, कपिल नगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर उसी खेत मालिक ने ये मेहता को छोड़ के और दो लोगों को बेच दिया। कितने हैं? वही जमीन ये मेहता को छोड़ के और दो लोगों को बेच दिया। जब ये मेहता को खबर लगी कि अब ये जमीन तो और दो लोगों को इसने बेच दिया, फिर मेहता जी बौखला गए कि मेरा पैसा तो साला डूबित हो रहा है। फिर मेहता जी ने साढ़ वर्तमान की राजनीति में जो भी बड़ा नेता उनके संपर्क में आया होगा उससे किया है, डायरेक्ट पुलिस आयोग से मिला है, जो भी किया, इमीजिएट वहाँ पे पुलिस पहुँची है कपिल नगर की। और इनका जो पोजीशन था वहाँ पे, जो इनके दीवार का टूटी फूटी कुछ दीवार होंगी, वाल कंपाउंड, उसका जो रिपेयरिंग बांधकाम चालू था उसको रोक दिया। आप बोले इस पे बांधकाम मत करो, बोले दीवार का, कंपाउंड वाल का, बोले क्योंकि बोले मेहता जी ने इसके खिलाफ में कंप्लेंट किया है कि प्लाट किसी और को बेच दिया। तो इनका कहना था कि प्लाट तो मेरा है, कब्जा मेरा है, वो मेहता कौन होता, मैं तो उसके खिलाफ पहले ही कंप्लेंट दे चुका हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।